हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राकू चैंपियन स्पोर्ट्स ग्रुज में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पर बात करेंगे हम साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे के बीच में होने वाले सेकंड टी20 मैच की। तो फ्रेंड, आपको बता दूं कि पहले टी20 मैच में यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को हरा दिया था फ्रेंड। तो यहाँ पर आपको बता दें, अब सेकेंड टी20 में यहाँ पर क्या हो सकता है और क्या यहाँ पर कुछ चेंजेस भी हैं फ्रेंड प्लेइंग ग्राउंड में। तो फ्रेंड, बात करते हैं यहाँ पर साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका की तरफ से यहाँ पर इमरान ताहिर को रेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका बोर्ड ने, जिनका क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम ने कि यहाँ पर ताहिर को इस मैच में रेस्ट दिया जाएगा। पिछले मैच में 5 विकेट लिए थे, तो अगर ताहिर को रेस्ट देते तो यहाँ पर बचते हैं ओनली शमसी, जो कि इनके स्पिन बॉलर है। तो यहाँ पर एक ही स्पिन बॉलर के साथ यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम खेलने के लिए उतर सकती है। तो फ्रेंड, प्लेइंग इलेवन की बात करें तो यहाँ पर ताहिर की जगह इसमें मिल सकता है फ्राइलिक को मौका मिल सकता है, एंड यहाँ पर डोमनी को मौका मिल सकता है। तो फ्राइलिक एंड डोमनी में से कोई एक यहाँ पर खेल सकता है। तो बट मुझे लगता है कि यहाँ पर डुमनी को रेस्ट दिया जा सकता है और उनकी जगह फ्रैलिक को यहाँ पर खिलाया जा सकता है, क्योंकि फ्रैलिक को यहाँ पर चांस इस मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ जो भी मैच हो रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पर टी20 यहाँ पर जो यंगस्टर है साउथ अफ्रीका के, उनको चांस दिया जा रहा है। तो फ्रेंड, प्लेइंग इलेवन की बात करते हैं, यहाँ पर क्वांटम डिकॉक जो आते हैं ओपन करेंगे, उनके साथ आएंगे गिहान क्लोचे। तो फ्रेंड, बहुत ही अच्छा यहाँ पर इनका रिकॉर्ड है क्लोचे का, कि इनको साउथ अफ्रीका के जो डोमेस्टिक सीजन है वहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छे रन किए। तो यहाँ पर क्लोचे खेलेंगे ओपन, फिर उसके बाद वंडा उलाएंगे फैफ टू प्लेसिस जो उनके कैप्टन है, फिर उसके बाद आएंगे दसवन, फिर आएंगे यहाँ पे डेविड मिलर, फिर आएंगे यहाँ पे क्रिस्टिन जॉनकर, फिर आएंगे यहाँ पर फ्रैलिक, फिर आएंगे फेल क्यूआओ, फिर आएंगे यहाँ पे जूनियर डाला, फिर शमसी आएंगे, फिर यहाँ पे नगीदी आएंगे। तो फ्रेंड, ये हो सकती है इनकी प्लेइंग इलेवन, पॉसिबल प्लेइंग इलेवन इनकी ये हो सकती है। तो फिर जिम्बाब्वे की तरफ से बात करें तो फ्रेंड, इसमें भी कुछ चेंज हो सकते हैं। चेंज होंगे कि यहाँ पे मायर टीम में आ सकते हैं। मायर किसकी जगह आएंगे, या तो फिर आएंगे तरासाई मुस्कांडा की जगह, या तो आएंगे यहाँ पर एल्टन चिंगमरा की जगह। तो फ्रेंड, मुझे लगता है कि मुस्कांडा का ज़्यादा चांस है कि यहाँ पर इस मैच में ड्रॉप हो सके, क्योंकि चिगुमरा यहाँ पर टीम के सीनियर बैट्समैन है। तो मुझे लगता है कि चिगुमरा को शायद मौका मिल सकता है। एंड यहाँ पर चिसोरो जो टीम में पिछले मैच में 3 ओवर में 37 रन उनको पड़े थे, तो यहाँ पर चिसोरो की जगह इस मैच में तरासाई चतारा की टीम में वापसी हो सकती है। चतारा को अपनी टीम में आप ग्रैंडिंग पर ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड, प्लेइंग इलेवन की बात करें जिम्बाब्वे की, तो यहाँ पर चामू चिवावा हो गए, हैमिल्टन मसाका जद्दा हो गए, फिर यहाँ पर आगे टेलर हो गए, ब्रेंडन टेलर जो उनके बहुत अच्छे बैट्समैन, फिर आगे यहाँ पर तरासाई मुस्टांडा या फिर मायर में से कोई एक खेलेगा, फिर आगे सेन विलियम्स, फिर आएंगे यहाँ पर पीटर मूर जिन्होंने पिछले मैच में बहुत अच्छा यहाँ पर इनिंग खेली थी और लगातार 4 छक्के लगा दिए थे। तमरे समसी, फिर आएंगे यहाँ पर एल्टन चेगुमरा, फिर आएंगे यहाँ पर ब्रेंडन मातुआ, फिर आएंगे यहाँ पे केएल जावीस, फिर आएंगे यहाँ पे चतारा, फिर यहाँ पे क्रिस मॉफू जिन्होंने पिछले मैच में बहुत अच्छा यहाँ पर 2 विकेट निकाले थे। तो फ्रेंड, ये हो सकती है जिम्बाब्वे की प्लेइंग इलेवन इस मैच में। तो फ्रेंड, बात करते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है इस मैच का ड्रीम इलेवन का टीम जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। तो फ्रेंड, ये टीम रहेगी मेरी इस मैच में आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड, एज ए कैप्टन एंड एज ए विकेट कीपर मैं रखूँगा क्वांटम डिकॉक को। तो फ्रेंड, डिकॉक पिछले मैच से 5 रन पर आउट हो गए थे, पर डिकॉक फ्रेंड बहुत ही अच्छा यहाँ पर बैट्समैन है और किसी भी टीम की बखिया उधर सकते हैं अगर आप फॉर्म में आ गए। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं क्वांटम डिकॉक को एज ए कैप्टन रखूँगा, साथ में रखूँगा बैट्समैन में दसवन को रखूँगा, मसाका जद्दा को रखूँगा जो इनके बहुत ही अच्छे बैट्समैन है जिम्बाब्वे के, फिर यहाँ पर रखूँगा फैफ डू प्लेसिस को, फिर रखूँगा यहाँ पर डेविड मिलर को। यानी कि टॉप 4 बैट्समैन मैंने साउथ अफ्रीका की इस मैच में रख लिया है। तो फ्रेंड, यहाँ पर रखूँगा एज ऑलराउंडर फेल क्यूआओ को, फिर रखूँगा यहाँ पे सीन विलियम्स को, फिर रखूँगा यहाँ पे बॉलर में शमसी को, जारविस को, मातुआ को, एंड यहाँ पे नगदी को। तो फ्रेंड, ये होगी मेरी इस मैच में आप लोगों के लिए स्मॉल लीग की टीम। इस टीम के साथ आप यहाँ पर खेल सकते हो। यहाँ पे कैप्टन करेंगे फ्रेंड क्वांटम डिकॉक को, वाइस कैप्टन करेंगे दसवन को, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको साबित हो सकता है। अगर आपको कैप्टन करना है तो आप कैप्टन यहाँ पर दसवन को कर दीजिए, वाइस कैप्टन आप यहाँ पर प्लेसिस को कर दीजिए, ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर किसी बॉलर को, शमसी को तो सजेस्ट नहीं करूँगा, पिछले मैच शमसी को मार पड़ी थी, तो यहाँ पर आप नगदी को कर सकते हैं। फेल क्यूआओ को आप कैप्टन वाइस कैप्टन अपनी टीम में कर सकते हैं। ग्रैंडिंग में फ्रेंड, आप यहाँ पर किसी जिम्बाब्वे के प्लेयर को भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल नहीं फ्रेंड, कभी भी यहाँ पर कोई प्लेयर यहाँ पर चल जाता है। तो फ्रेंड, ये रहेगी मेरी आप लोगों के लिए स्मॉल लीग की टीम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो और टेलीग्राम चैनल का लिंक फ्रेंड आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाइए, ताकि आपको मैं मैच की फाइनल टीम भी प्रोवाइड करा पाऊँ अगर यहाँ पर कुछ चेंज होता है। और फ्रेंड, अगर आपको मेरे प्राइम ग्रुप में आना है तो प्राइम ग्रुप में आप आ सकते हैं। 9165959889 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे व्हाट्सअप में मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। और अगर आपको यहाँ पर मंथली पेड टीम चाहिए तो आप मेरे यहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप में, और मैं आपके यहाँ लॉस रिकवर करा दूंगा जो भी आपका लॉस ड्रीम इलेवन में हुआ है। ओके फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक।